हेलो दोस्तों, फिश इन्फो चैनल का नया और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि आप वीडियो हिंदी में बनाइए, हम लोगों को समझ में नहीं आता है और देखने वाला भी ज़्यादा इंडिया से ही है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ आगे से वीडियो हिंदी में बनाऊँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पॉन की केयरिंग और इसकी फीडिंग के बारे में। इसके पहले बोल लेते हैं, इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बता दिया है कैसे स्पॉन के लिए आपको तालाब तैयार करना है। वो पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आप लोगों के दूसरा वाला वीडियो में ज़्यादा फायदा होगा और समझने में भी आसान होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका नाम है हाउ टू रेडी नर्सरी पॉन्ड। पैकेट में आप लोग जो मछली देख रहे हैं ये असल में स्पॉन्ड है। इसके छोड़ने का तरीका है, पहले आप इस पैकेट को तालाब के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। पानी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन पैकेट का टेम्परेचर जब एक हो जाएगा तब आप धीरे धीरे बच्चा को छोड़िएगा, जैसे कि इस वीडियो में दिखा जा रहा है। स्पॉन्ड छोड़ने के बाद कई लोग जो है गलतियाँ करते हैं, वो गलती है मछली को खाना नहीं देना। वो लोग बिल्कुल स्पॉन को खाना नहीं देते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। स्पॉन छोड़ने के एक घंटा बाद स्पॉन को खाना देना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं स्पॉन की फीडिंग के बारे में। स्पॉन को कौन सा खाना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना टाइम खाना देना चाहिए, सब कुछ बता रहे हैं। स्पॉन को दिन में दो बार खाना देना सबसे अच्छा रहता है, आप चाहे तो एक बार भी दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे नर्सरी फीड अवेलेबल है, बहुत सारे कंपनियां ऐसे हैं जो कि नर्सरी फीड अवेलेबल कराती है, आप चाहे तो उसी से लेके आप नर्सरी फीडिंग करा सकते हैं। नर्सरी फीड कितना मात्रा में देना चाहिए, असल में 1 किलो स्पॉन के लिए 800 ग्राम नर्सरी फीड देना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो इसी 800 ग्राम नर्सरी फीड को दो टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सुबह को 400 ग्राम या शाम को 400 ग्राम, टोटल 800 ग्राम। को दो टाइम खाना देने में कोई परेशानी होती है तो फिर आप एक ही टाइम खाना दीजिए। इस एक ही टाइम में आपको टोटल 800 ग्राम खाना एक ही बार में दे देना सबसे अच्छा है। ये नर्सरी फीड को पहले 3 दिन देना ज़रूरी है। आपके पास नर्सरी फीड नहीं है तो उसके लिए दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको बाद में बता दूँगा, जिस तरीके से आप ये बिना फीड के ही 3 दिन का खाना बना सकते हैं, लेकिन उसमें झमेला और खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले इस नर्सरी फीड को आप पानी में लेके पतला करके घोल लीजिए। पतला होकर के घोलने के बाद इसको आप तालाब के चारों तरफ छीड़ दीजिए। ये वाला फीडिंग आप 3 दिन तक कर सकते हैं। इसके बाद जो है सरा हुआ खल्ली खिला सकते हैं, कम से कम 3 दिन का फुला हुआ खल्ली आप इस्तेमाल करें। अभी हम लोग बात करेंगे फीडिंग के दूसरे तरीका के बारे में। इस तरीके में आपको मैदा, अंडा और सरसों का तेल ज़रूरी होता है। 1 किलो स्पॉन के लिए आपको 800 ग्राम मैदा, साथ में 8 पीस उबला हुआ अंडा और 400 ग्राम सरसों का तेल ज़रूरी होता है। इस तीनों चीज़ का एक घोल बना लीजिए। बनाने के बाद आप अपना स्पॉन में इसको इस्तेमाल कीजिए। पहले 3 दिन आप इसी खाने को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पॉन छोड़ने के बाद बच्चा बिल्कुल ही चेक नहीं करते हैं, वो 3, 4 या 1 हफ्ता बाद जाके देखते हैं तालाब में बच्चा है या नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको बच्चा छोड़ने के दूसरे दिन से बच्चा को चेक करना ज़रूरी है। आप जाके छोटा गमछा या ऐसे बना हुआ कपड़ा से कोई हफ्फा बना लीजिए। इसके बाद आप बच्चा को खींच के थोड़ा थोड़ा देखिए, बच्चा सही है या गलत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे हर रोज़ आपको चेक करते रहना चाहिए। आगे आप लोग देखे हैं, मैंने बच्चा छोड़ा और ये है दूसरा दिन जहाँ पे मैं बच्चा चेक करने आया हूँ। अब देखूँगा बच्चा कितना है। एक रात गुजर गया, अभी बच्चा ठीक है या सही है, खाना ठीक है या बच्चा है या नहीं है, सब कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं स्पॉन सही है और क्वान्टिटी में भी बहुत अच्छा है। हर रोज़ बच्चा चेक करे और खाना दे, फिर बच्चा चेक करें फिर खाना दे, फिर बच्चा चेक करें और फिर खाना दे। ऐसे आप लोग 1 हफ्ता तक करते रहिए तो आपको पता चलेगा आपका स्पॉन सही है या नहीं है, कितना मात्रा में खाना देना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा होता है तो कमाना पड़ेगा, और अगर कम होता है तो ज़्यादा मात्रा में खाना देना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको चेक करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपका स्पॉन सही मात्रा में बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं आज चेकिंग की 3री दिन है और बच्चा सही सलामत है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम है जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। बच्चा का कलर जो देख रहे हैं वो है काली रंग का, जो अच्छा नहीं होता है। स्पॉन का कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए,
थोड़ा हल्का लाल कलर का होना चाहिए। जब तक ये लाल कलर का नहीं होता है तब तक इसमें दिक्कत है। आज चौथा दिन है, आप देखते हैं इसमें कलर का थोड़ा चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर चेंज होता है तो अच्छा बात है। हाँ भैया, आज बच्चा थोड़ा चेंज हुआ है। अब देखें इसमें काली रंग कम दिखाई पड़ रही है, जैसे कि हल्का लाल कलर का हो गया। बच्चा मेरा सही है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। चलिए, मेरा प्रोडक्शन 100% हो गया है। जैसे कि हम बोले थे, तीसरा दिन के बाद आपको खली खिलाना पड़ेगा। जैसे कि तीसरा दिन ख़त्म हो गया, आज से चौथा दिन गिरा है, तो हम लोग आज से सरसों का खली खिलाना स्टार्ट करेंगे और खली के साथ थोड़ा विटामिन देना स्टार्ट करेंगे। स्पॉन में कभी भी कच्चा खली इस्तेमाल ना करें, कम से कम 3 दिन का फुला हुआ खली इस्तेमाल करें। अब बताता हूँ कितना मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि 1 किलो स्पॉन के लिए आपको 2 किलो 400 ग्राम खली इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीधी सीधी से बात से बोलूँ तो 1 बाटी स्पॉन के लिए आपको 300 ग्राम खली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी सरा हुआ खली। और 1 किलो खली के साथ आपको 10 ग्राम हिसाब से विटामिन मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मिक्सचर हो रहा है, इस मिक्सचर को आप हर रोज़ अपना तालाब में इस्तेमाल करें। 1 हफ्ता बाद मेरा स्पॉन अब धानी या जीरा बन जाएगा, जो मैं आपको ये वीडियो में दिखा दूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप पहले वीडियो डालने पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। 6 दिन गुजर गया है, आज हम लोग फिर से बच्चा चेक कर रहे हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए ये 7वां दिन का बच्चा है, जो कैसा ग्रोथ हुआ है और क्वांटिटी में कैसा भी है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चा सही सलामत है और इसमें ग्रोथ का बहुत बरत हुआ है और बच्चा का क्वांटिटी इतना सारा है जो क्या बताऊं। इसी तरीके से आप लोग बच्चा कर रहते हैं तो आप लोगों का स्पॉन का कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी।